पर्दे के आगे तो सब कुछ दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे आखिर है क्या? नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। स्वाधीनता दिवस के पूर्व संध्या पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लावासियों को संबोधित करते हुए काफी तल्ख और गुस्से में नजर आई। वह कहीं बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं क्या? वह सीधा आरोप सीपीएम और बीजेपी पर लगा रही थी। वह कह रही थी कि आरजी कर में जो घटना घटी है उसके लिए हम भी दुखित, व्यथित और चिंतित हैं और इसके लिए आगे कार्रवाई कर भी रहे थे, लेकिन जिस तरह से बीजेपी और सीपीएम ने इसे मुद्दा बनाया है और आंदोलन कर रही है, वह मुझे सत्ता से हटाना चाहती है। मैं उन लोगों को कह देना चाहती हूं कि सत्ता के प्रति मेरा कभी कोई लोभ नहीं रहा है और न ही मैं सत्ता के प्रति मेरी कोई मोह माया है। रेल मंत्रालय छोड़ने में मुझे 1 सेकंड लगा था, मुझे कुर्सी से छोड़ने में तनिक भी वक्त नहीं लगेगा, लेकिन मैं इन राजनीतिक दलों के आगे सरेंडर नहीं करूंगी। मुझे अगर झुकना ही होगा तो बंगाल की जनता के आगे झुकूंगी और इसके अलावा मुझे कोई झुका नहीं सकता। इसके अलावा उन्होंने बताया कि क्या क्या उस घटना के बाद वो कार्रवाई की है। बावजूद इसके पीड़िता का परिवार अदालत गया और अदालत के आदेश के बाद सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। गौरतलब है कि न केवल पीड़िता का परिवार, काफी भारी संख्या में जनहित याचिकाएं दायर की गई जिसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई के जांच का आदेश मिलते ही सीबीआई के अधिकारी भारी संख्या में कोलकाता पहुंचे और मुख्य अभियुक्त को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में इस घटना को लेकर आंदोलन चल रहा है। ममता बनर्जी ने अपने भाषण के दौरान यह भी कहा था कि मीडिया का एक अंश इस पूरे आंदोलन को बांग्लादेश से जोड़ के दिखा रहा है, जबकि बांग्लादेश और यहां की घटना अलग है। उन्होंने सोशल मीडिया पे भी उत्तेजक बयानबाजी और कमेंट्स के ऊपर भी उन्होंने उंगली उठाई। सवाल यह है कि इस आंदोलन की नेतृत्व कौन कर रहा है? दरअसल यह आंदोलन जैसे कल आधी रात के पहले हजारों की संख्या में महिलाएं कोलकाता में और कोलकाता के आसपास के इलाकों में सड़कों पर निकले रात 11:55 मुझे न्याय चाहिए नारे के साथ, लेकिन उस प्रदर्शन के दौरान किसी भी राजनीतिक दल का झंडा नहीं था। इस घटना के क्रम के में एक और घटना घटी। आधी रात के बाद 12 बजे के करीब आरजी करके सामने जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, अचानक एक भीड़ आरजी करके अंदर पुलिस बैरिकेड को तोड़ के अंदर घुस जाती है और घुसने के बाद वह लोग जो मंच बनाया गया था जिस पर ये प्रदर्शन रोज हो रहा था उस मंच तक को तोड़ दिया और पूरे अस्पताल परिसर में आधे घंटे तक तांडव चला। उसको रोकने के लिए पुलिस कर्मियों को 1 घंटे तक पूरी मशक्कत करनी पड़ी, उसमें भारी संख्या में पुलिस कर्मी भी आहत और घायल हुए। इस घटना के बाद टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल से कहा है कि 24 घंटे के अंदर दोषियों को पकड़ के सजा दी जाए। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि पूरी घटना तृणमूल कांग्रेस द्वारा ही प्रायोजित थी। उनके पीछे ये तर्क दे रहे हैं कि यदि कोई और किया होता तो धरना मंच या प्रदर्शन मंच को क्यों तोड़ता। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उस भीड़ में जो लोग शामिल थे उसमें से अधिकांश लड़के हाफ पैंट बारमूडा में थे, कुछ सैंडो गंजी में थे। ऐसी स्थिति में वो लड़के स्थानीय थे और कुछ की पहचान भी हो गई है। अब आज देखना यह होगा कि पुलिस इस पे क्या कार्रवाई करती है और इसके पीछे की खबर क्या आती है। दूसरी तरफ अगर हम यदि सीबीआई की बात करें और इसकी जांच की बात करें तो अपना काम शुरू कर चुकी है। टीम पीड़िता के परिवार से भी मिल रही है, उसके अलावा बाकी एंगल को भी देख रही है कि उसमें सिर्फ वो अभियुक्त शामिल है या और भी कोई लोग हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ बता रहा है कि यह कृत्य एक आदमी का हो ही नहीं सकता।
बहरहाल आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी समय पर्दे के पीछे।